हाँ यू स्टोरी मैं हिंदीत कह आसो बारो कारण बहुते फोन कर बहुते मेसेज दी आसे। तो पाजी का आज 2-3 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था बहुत गंदा वाला एस2 के साथ। तो एस2 तो उसका हालत मैं नहीं बोलूँगा, बाकी पाजी अभी ठीक है, इतना डरने की बात नहीं है, बस अभी मेडिकल पहुँच रहे हैं। बाकी दोनों पैरों पर थोड़ा फ्रैक्चर हुआ है, बाकी क्या कैसे क्या हुआ है मेडिकल पहुँच के बताता हूँ कंडीशन क्या है। अभी के लिए बस इतना, ज़्यादा फ़ोन मत करो, ज़्यादा मैसेज मत करो, मैं रिप्लाई करने के हालत में नहीं हूँ। थैंक यू। तो फिलहाल हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, नेपाल के बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है ये। तो यहाँ पे डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं पाजी का, जतप्रभजोत भैया का हमारा। तो अभी कैसा क्या हाल है अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग बस दुआ कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, आप लोग बस कामना कीजिए कि उसको कुछ ना हो और सही सलामत हो पाजी। हम लोग तो बस बाहर बैठ के वही इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब दत्तौर निकलेगा और हमको अच्छा वाला रिजल्ट सुनाएंगे। 1 घंटा तो हो गया हमको मेडिकल पहुंचते हुए, डॉक्टर नर्स सब भागा दौड़ा कर रहे हैं, सब ठीक ठाक रहे बस। तो अभी रात के बज रहे 2:03 और हम लोग फिलहाल ICU के बाहर बैठे हुए हैं। कुछ भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं बोल सकते। कल सुबह तक देखते हैं, कल सुबह शायद ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद भी कुछ मतलब बाद ही कुछ बोला जा सकता है। आप लोग बस दुआ करना।